वेलकम टू द डिफरेंस बिटवीन कैंडी टॉफी एंड चॉकलेट। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कैंडी टॉफी एंड चॉकलेट। कैंडी, हर मीठी चीज को कैंडी कह सकते हैं, लेकिन कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में कैंडी मीन हार्ड बॉइल्ड कैंडी। कैंडी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें वाटर है, मिल्क है, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं और नट्स। कैंडी की टाइप्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, कैरमल कैंडी है, फज है, पैरालीन है, लॉलीपॉप्स हैं, इसके अलावा बार्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है टॉफ़ी। टॉफ़ी को हम शुगर और मोलेसिस के साथ मक्खन और फ्लावर भी मिक्स करते हैं और फिर इसको हीट किया जाता है जब तक सारा मिक्सचर जो है वो कैरमलाइज नहीं हो जाता। और एट द एंड इसकी टॉपिंग के लिए हम नट्स और रेजन्स ऐड करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें मोलेसिस है, बटर है, फ्लावर है, नट्स और रेजन्स हैं। इसकी टाइप्स जो है, इंग्लिश कैंडी है, इंग्लिश टॉफ़ी है, हनीकॉम टॉफ़ी है, सॉफ्ट टॉफ़ी है और ब्रिटल टॉफ़ी। नेक्स्ट है चॉकलेट। चॉकलेट को हम थियोब्रोमा कोका ट्री है उसकी सीडों से बनाते हैं, यानी कि एक पौधा है उसके जो बीज हैं उनसे हम ये चॉकलेट वगैरह बनाते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं चॉकलेट के लिए, कोका है, मिल्क है, नट्स है और रीजन। नट्स और रीजन तो तकरीबन हर चीज़ की टॉपिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आप थोड़ी सी बेहतर बनाना चाहते हैं, उसका जायका बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इनमें ज़्यादा जो मशहूर चॉकलेट हैं उनमें है मिल्क डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में जो कोका होता है वो 70% होता है और मिल्क चॉकलेट में 10 से 15% होता है। कहा जाता है कि चॉकलेट खाने से एक तो आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा काम करता है, बाकी ये मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कैंडी। कैंडी बनाने के लिए हम शुगर और पानी को गर्म करते हैं, एक सिरप बनाते हैं, फिर उस सिरप को कंसंट्रेट करते हैं, इतना कंसंट्रेट करते हैं कि जब हम इसको ठंडा करें तो इसको स्पेसिफिक शेप में लाना आसान हो। तो जब ठंडा हो जाती है तो फिर इसको हम शेप में लाते हैं, शेप में ला के उसको फिर उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर उसको रैपिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है टॉफ़ी। टॉफ़ी के लिए हम शुगर और पानी के साथ उसमें मक्खन और फ्लावर भी ऐड करते हैं, फिर हम उसको बॉयल करते हैं, उस वक्त तक बॉयल करते रहते हैं जब तक उसका कलर ब्राउन ना हो। फिर उसको ठंडा करके फिर उसमें रेजन्स नट्स वगैरह ऐड करते हैं और फिर शेप दे के उसको पैकिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है चॉकलेट। चॉकलेट के लिए हम कोका ट्री के बीजों को हम पहले तो फर्मेंट करते हैं, एक दो दिन के लिए रात को भगो के रखते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको क्लीन करके रोस्ट करते हैं, यानी कि दो जायके आ गए, एक तो फर्मेंटेशन का जायका उससे चेंज हो गया, दूसरा रोस्टिंग से उसका जायका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम उसका शेल ऊपर वाला रिमूव कर लेते हैं और उसके हम छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, फिर उन टुकड़ों को गर्म करके हम डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।